तो हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं अपनी बाइक को फुल्ली मॉडिफाई कराने दिल्ली जा रहा हूँ मैं अकेले। पहले कुछ राइडर भाई का प्रोग्राम था, लेकिन उनका मौसम वगैरह की वजह से थोड़ा सा इशू हो गया, तो वो नहीं जा रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं अकेले और अपनी बाइक को प्रॉपर यूनिक बना के लाएंगे, मतलब ऐसी बनाएंगे कि जो फर्स्ट ऑन इंडियो। और उसके बाद करेंगे फिर बढ़िया वाले मस्त वाले मीटअप। तो स्पोर्ट बनाए रखना गाइस, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। आपको नेक्स्ट दो दिन के ब्लॉग आपको बहुत ही शानदार मिलेंगे, जो ऑसम ब्लॉग कहते हैं ना जिनको, वो मिलेगा। तो अभी मैं निकल चुका हूँ यहाँ से बिलासपुर से और आप जा रहे हैं, तो चलते हैं गाइस। बीच बीच में आपको क्लिप दिखाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो अभी मौसम खराब हो रहा है, तो थोड़ा सा फैट सी के चलेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं, और आई विश कि मेरी बाइक बहुत ज्यादा प्यारी लगे मेरे को खुद भी, मतलब मैं नर्वस भी हो रहा हूँ कि घर से 250 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ, क्योंकि बाइक को रेडी करवानी और क्या पता कैसी क्या लगेगी, तो इसी वजह से चलते हैं। देख सकते हैं बारिश आ चुकी है, बारिश में रोड पूरा गंदा हो चुका है। अपना भी स्पीड कम कर लिया, 82-85 पे ही चल रहे हैं ज्यादा, क्योंकि ऐसा ना सडनली कुछ चीज आ जाए सामने और दिक्कत आ जाए थोड़ा सा, इसलिए अपने स्पीड भी कम कर ली है। और फोन में चार्जिंग कम थी, तो मैंने फोन चार्जिंग पे लगा दिया, क्योंकि अपने जहाँ पे जाना है मेरे को लोकेशन नहीं पता है, तो अपने मैप की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। और बारिश अभी कम है, मतलब इतनी नहीं है कि अपन नहीं चल सकते। जहाँ पे लगेगा कि मेरे को ज्यादा है, तो फिर वहां पे कहीं पे स्टे करेंगे, रुकेंगे, क्योंकि बारिश में मैं इसलिए नहीं चलूंगा अगर मेरी तबीयत खराब होगी, क्योंकि वहां पे एक तो मैं अकेला रुक पड़ते अनजान शहर, तो इसलिए अपन रिस्क नहीं लेंगे और मतलब रुकते ही चलेंगे। फिर भी मतलब कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से चलेंगे। तो निकलते हैं गाइस, यहाँ पे फिर भी बारिश कम गया, यहाँ पे तो हाई नहीं है, बारिश भी कुछ ही एरिया में थी, थोड़े से पार्ट में थी, बाकी यहाँ पे नहीं है गाइस। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल सूखा पड़ा है और पीछा फुल बढ़िया वाली बारिश हो रही थी। तो पहुंच चुके हैं आप, यमुनानगर पार कर दिया अपना अगर दौर वाले रोड पे, तो चलते हैं एक अच्छे से, आपको जो भी रिव्यू रिएक्शन मिलेंगे वहां पे चलते हैं। तो गाइस बारिश तो नहीं आई है, लेकिन एक चीज में दिक्कत आ गई है, बाइक की इस साइड हवा चल रही है, और आपने पता जैसे अलॉय में समय मॉडल है, तो पूरी बाइक इस साइड खींची जा रही है, बहुत गंदे तरीके से खींच रही है, मतलब हवा बहुत तेज, आप ऊपर देख सकते हैं पेड़ वगैरह से, पेड़ भी ऐसे झुके हुए हैं, तो बहुत गंदा हो रहा है कि बाइक मतलब स्ट्रेट चल ही नहीं रही है, ऐसे हो रहा पीछे से जैसे निकलते गए, तो मेरा भी वेट कम है, तो बाइक प्रॉपर ग्रिप ही नहीं बना रही है, हवा नूडी जा रही है, ऐसा बहुत गंदा सीन हो रहा है। और कहीं पे बारिश मिल रहा है, कभी यहाँ पे ये मिल रहा है, तो बस एक बार फाइनली हम दिल्ली पहुंच जाए, उसके बाद तो बस फिर देखते हैं, फिर दिल्ली पहुंचे चाहिए एक बार। और ये रहे आपका घूमने फिरने एंजॉय करते हुए, बहुत ज्यादा हो रहा। तो भाई हम कुरुक्षेत्र पहुंचने वाले हैं, तो पहले कुरुक्षेत्र रुकते हैं, कुछ खाते हैं, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में कुछ नहीं खाया था, तो पहले वो खा लेते हैं, फिर देन निकलते हैं आगे, क्योंकि जाना बहुत दूर है। तो भाई मैंने पीपली कुछ खा पी लिया और अब निकलते हैं यहाँ से दिल्ली की तरफ। और यहाँ पे भाई भैया के दुकान वालों के बहुत ही मस्त रिएक्शन थे, और पूछना बात मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया सारा कुछ करके जी। तो अब निकलते हैं, गाइस बहुत ही मजा आया। और जिस दुकान पे मैंने खाना खाया था वहां पे उन्होंने बाइक देखी और हेलमेट वगैरह देख के, मतलब कैमरा कुमरा लगा हुआ, तो काफी ज्यादा मस्त फीलिंग आई भाई, उन्होंने फोटो ली, मतलब लाइफ में दो तीन बार हुआ इस तरह का हिस्सा, ये देखिए अंकल जी कैसे घूर रहे हैं।
तो मतलब उन्होंने काफी अच्छा लगा, मतलब मेरे को भी बहुत प्यारा लगा कि भैया राइडर हो आप, राइडर से मिले हम भी है वो। उनको तो लगता था कि राइडर के हाथ पैर चार होते हैं, मतलब थोड़ी सी अजीब अजीब सी बातें की थी। वो मैंने शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि हेलमेट रखा था और मैं कैसे शूट करता, मतलब हेलमेट मैंने चार्जिंग पर लगा दिया था क्योंकि इसमें जो ब्लूटूथ डिवाइस लगा हुआ है वो मेरे को ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि कॉलिंग वगैरह का इशू ना हो। और इसमें यह भी पता नहीं क्या हुआ, इसका बैटरी बैकअप बहुत कम दे रहा है, मतलब 3-4 घंटे ही चलता है मैक्सिमम, पहले कहीं कहीं दिन निकाल देता था मेरे पे। तो अब निकलते हैं लाडवे की तरफ और यू वी गो, खैच सीगा निकलेंगे क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अब आप पूरी खंचम खैच चलेंगे भाई। ये है मेन रोड जो अच्छा होता है, मतलब जिसको असली रोड बोलते हैं, क्या भी मस्त रोड बड़ा है। साली भाग दी जा रही है बाइक की और रास्ते में आएगा द ग्रेट खली का बिठापा, तो आते हुए उसमें भी एक ब्लॉग शूट करेंगे खली का रेस्टोरेंट में, खली के भी मतलब प्रॉपर खतरनाक वाला सीन करेंगे। और तो इस बात करें रोड की, रोड तो जैसे मलाई वर्गा पड़ा है ना, इस पे तो हम फुल टू दबा के बताएंगे बाइक को। और अभी अभी अपने पास थे ना एक जेड नोट निकली है भाई, भाई बहुत ज्यादा तेजी पे था, मैं इतना कैमरा ऑन करता रह गया इतना तैयार हो, पता ही नहीं कहा साफ हो गया। तब अभी किसी दिन लेंगे जेड 900, मतलब अच्छी थी भाई, साउंड बहुत अच्छा था भाई, ने 80 प्रोजेक्ट लगवाया हुआ था, साउंड बहुत ही स्मूथ और बहुत ही रिफाइंड था, मतलब देसी साउंड था, बहुत प्यारा था। 80 का तो आपको पता ही है वैसे भी, तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ किसी रीजन की वजह से, थोड़ा सा इशू था उसकी वजह से मैं लेट भी बहुत ज्यादा हो चुका हूँ। तो अब बस थोड़ा सा प्रॉपर खैच सी का चलेंगे क्योंकि जाके अपन ने दिल्ली में लोकेशन भी देखनी है, कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना, तो बहुत काम है। तो इसलिए चलते हैं आपका पूरा खंचम खैच और ब्लॉग में मजे आएंगे आपको। 2-3 दिन आप दिल्ली प्रॉपर एक्सप्लोर करेंगे और बाइक को ऐसा बना देंगे ना गाइस, आप खुद इमेजिन करो कि आप घर से इतनी दूर आ रहे हैं तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए तो नहीं आ रहे होंगे, बाइक को प्रॉपर बहुत फिनिशिंग देके खूंखार बनाएंगे। तो गाइस चलो निकलते हैं और चलते हैं दिल्ली की तरफ। तो गाइस लिल्लो खेड़ी पहुंच चुके हैं जैसे आप देख सकते हो, और हम अपनी बाइक में लगा रहे हैं डीवी किलर क्योंकि काहे को रिस्क लेना यार, ये एरिया ऐसे ही है, चलांद वगैरह कटते टाइम नहीं लगता, बहुत देर बजा लिए पटाखे और बहुत ले लिए साउंड का मजा, कभी ऐसा ना मिल जाए मिनट माना सजा। तो अब इसको लगा दिया डीवी किलर, अब ये साउंड बिल्कुल भी नहीं करेगी। और यहाँ से अपने साथ जा रही है एक फ्रेंड, हाँ जी लड़की फ्रेंड जा रही है घूमने, वो रहेंगे अपने साथ दिल्ली, उनको भी थोड़ा सा काम है और थोड़ा हमें कंपनी हो जाएगी थोड़ा सा। और तो ये हो चुके लग चुके हैं और अब करते हैं थोड़ी देर उनका वेट। तो गाइस हम बढ़ चुके हैं करनाल, पार कर दिया है और राइड में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, मतलब बात करें भाई मौसम ना अच्छा है ना बुरा है तो बीच से का है, और रह चुके 23 किलोमीटर जहाँ पे अपा ने जाना है, तो अपा फुल फैंटम फाइट जा रहे हैं, मतलब जिस स्पीड से मैं चलो मैक्सिमम 1 घंटे में मैं लगा दूंगा क्योंकि बाइक मैंने 134-135 ऐसे खर्ची हुई है, तो 1 घंटे के अंदर अपा अपनी डेस्टिनी पे पहुंचेंगे। और भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया अपनी बाइक को मैं बहुत बहुत यूनिक बनाने की उसमें हूँ कि मेरे को ऐसी बनानी है कि जो एक बार बाइक देखे ना बस उसके मुँह से वाह निकले, तो ऐसी बाइक बनाएंगे। तो भाई बस अब सपोर्ट किए रखना, आप सभी को सपोर्ट करना है दबा के क्योंकि आपको भाई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो चलिए चलिए है पानीपत से पहले जो टोल आते हैं वो वाले टोल, और लोकेशन बहुत ही बम है क्योंकि यहाँ पे शोरूम बेग से एक मर्सिडीज लैंड रोवर और जैगुआर सभी ओडी वगैरह के सब गया। तो इन फ्यूचर में अगर आपने भी सपोर्ट किया अच्छा था तो जरूरी नहीं मैं अपना मीटअप करेंगे और अच्छी अच्छी कारें की भी बोलेंगे। तो अभी दिल्ली रह चुका है 111 किलोमीटर और बाइक मैंने आराम से इसलिए कर लिया क्योंकि बाइक ना हीट ज़्यादा कर रही है, हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है, धूप नहीं है लेकिन मौसम में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है तो इसकी वजह से गर्मी ज़्यादा है और इसके दोनों फैन ऑन हो चुके हैं, तो इसलिए बस मैं थोड़ा सा
स्लो कर दिया और हो सके तो कहीं पे इसको करके दो चार मिनट के लिए इसको कूल डाउन भी करें। गाइस लो फिर लीजिए जाम का मजा। ये आपके पानीपत वाला रोड जो दिल्ली जा रहा है, इतनी गंदी ट्रैफिक है ना, इतनी गंदी यार, बाइक ना लिटरली 10 11 12 बस मैक्सिमम 12 15 की स्पीड पे चल रही है। ट्रैफिक इतनी हाई है ना, बहुत ज़्यादा। कुछ यहाँ पे बारिश हो चुकी है और बारिश के बाद और भी रोड गंदा है। बाइक इतनी गंदी हीट कर रही है ना ब्रेक मार मार के, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और गलती ये होगी कि अपन ऊपर पुल पे रहना था और अपन नीचे ने आ गया, तो ये एक बिग मिस्टेक होगी। अगर आप आओ तो बस नीचे ने नहीं पुल पे रहना, क्योंकि नीचे हद से ज़्यादा ट्रैफिक है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। तो ये था एक ज़रूरी अपडेट, अगर आप आओ यहाँ ने। और ये देखिए कितना, मतलब यहाँ के लोग तो ड्राइविंग भी बहुत रफ ड्राइव करते हैं, और हर एक मिनट के बाद चौक, हर एक मिनट के बाद चौक। ये चौक 70 तो चौक है यहाँ पे, पता नहीं कौन सा बागा बॉर्डर है। तो हम लेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और अब तक यहीं घूम रहे हैं, क्योंकि खत्म ही नहीं हो रहे जाम। तो गाइस अभी अभी हमने खाया पिया और मेरे को ना जुकाम सा भी, अगर हल्का सा फीवर की भी शिकायत हो रही है। तो ये देखिए डबल स्टोरी बस जा रही है और अब हम दिल्ली में सॉरी सोनीपत में एंटर करने वाले हैं, और जहाँ हमें जाना है वो रह गया 35 किलोमीटर। तो कुछ ही देर में हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे और आपको वहाँ का पूरी लोकेशन वगैरह सब कुछ दिखाते हैं। तो गाइस बहुत गंदा एक्सीडेंट हो चुका है, अभी अभी आपको दिखाती हैं। देखिए सामने कार कितने गंदे तरीके से, देखिए प्रॉपर बहुत गंदे तरीके से हुआ है। और आई थिंक ये पुलिस वाले की कार है, हाँ पुलिस वालों की कार है, डिवाइडर को पूरा फाड़ती हुई आई है। और गाइस बहुत ही गंदा हुआ सीन है, कुछ बहुत गंदा हुआ। आई थिंक बस भगवान करे बंदा बच गया। तो दिल्ली जैसा शहर में इतने ट्रैफिक में ये चीज़ होती है, तो थोड़ा सा अलर्ट होकर चले। आप अभी बस मैक्सिमम 90 या 95 की स्पीड पे चल रहे हैं। तो गाइस ये है दिल्ली का मशहूर कचरे का पहाड़, आप देख सकते कितना कचरा है, मतलब प्रॉपर पहाड़ है कचरे का। ये देखिए गाइस प्रॉपर कचरे का इतना भयानक, इतना तगड़ा पहाड़ है ना, इसके ऊपर जेसीबी वगैरह चल रही है और काके वगैरह बहुत घूम रहे हैं इस पर। तो ये है दिल्ली की पूरी गंदगी। और ये साइड में जा रहा है एक ब्लैक नाला, बिल्कुल काला नाला, ये जा रहा है काला नाला। और आप पहुंचने वाले अपनी डेस्टिनी पे कुछ देर में। मजा रहा है इस वैसे राइड पे यहाँ पे, क्योंकि ना रोड बहुत खुले और फुल फैंटम फैंटम, मतलब मजा बताते हैं ना जिसको, वो है रोड, रोड अच्छे हैं। तो चलो वीडियो का लंबी नहीं।